सदगुरु कबीर की एक साखी है, पांच तत्व का पुतरा मानुष धरिया ना, एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाम, मिट्टी पानी आग हवा आकाश इन पंच तत्वों से निर्मित इस पुतले का मनुष्य नाम रखा गया, लेकिन एक कला से बिछुड़ जाने के कारण यह मनुष्य हर जगह विकल व्याकुल और पीड़ित होकर के भटक रहा है। सबका शरीर मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित होता है, और शरीर ही नहीं, दुनिया की सारी वस्तुएं इन्हीं महाभूतों से निर्मित होती हैं। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व है जो इन तत्वों से सर्वथा विलक्षण, उसका बोध हमें नहीं है, इसीलिए शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं। हम यह समझ लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, शरीर केंद्रित हमारी दृष्टि हो जाती है, और जब शरीर केंद्रित दृष्टि होती है तब शरीर को अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाना, सुख पहुंचाना, और शरीर की इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना हम अपना जीवन लक्ष्य मान लेते हैं, और यहीं से भटकाव शुरू होता है, यहीं से सारा दुख, सारा बंधन शुरू होता है। शरीर है कर्मों से निर्मित, इसकी व्यवस्था करना, इसकी रक्षा करना मजबूरी है, हठ करने से काम नहीं बनेगा। शरीर की जो उचित आवश्यकताएं हैं समय समय से उन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, तभी शरीर की व्यवस्था सही ढंग से चल सकेगी। तो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना अलग बात है, और शरीर द्वारा इंद्रिय भोगों में उलझ जाना, शरीर को भोगों का साधन मान लेना, ये अलग बात है। निश्चित है कि शरीर साधन है, चाहे संसार की तरफ जाए तो, और चाहे संसार से अलग हटकर साधना विवेक वैराग्य आत्मा की तरफ जाए तो, दोनों दिशा में शरीर को स्वस्थ रखना होगा, लेकिन दोनों दिशा का परिणाम अलग अलग। मूल बात तो यहाँ यह है, पांच तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाम, पांच तत्वों से निर्मित इस पुतले का नाम रखा गया मनुष्य, लेकिन
मनुष्य शरीर मिलने मात्र से कोई मनुष्य नहीं हो जाता जब तक उसमें मानवीय गुण नहीं आते, मनुष्यता नहीं आती। मानुष मानुष शवे कहावे, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। दयाशील विचार है बीरा, चार रीति है मानुष केरा। सदगुरु श्री रामदास साहेब पंथ ग्रंथी में कहते हैं, मनुष्य तो सभी कहलाते हैं मनुष्य के आकार में घूमने वाले, लेकिन मानवीय बुद्धि किसी बिरले को प्राप्त होती है। दया शील विचार और वीरता, मनुष्य के ये चार गुण हैं, चार लक्षण हैं। जिन्हें ये गुण समुचित रूप से आचरित हों, जो इनका सही ढंग से आचरण करता हो, इनका पालन करता हो, वो सही मनुष्य। बाकी तो मानुत केरी खोदरी ओढ़े फिरत हैं बैल। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य की खाल ओढ़ करके बैल जानवर घूम रहे हैं। मनुष्य शरीर का पाना और मनुष्यता का आना दोनों बिल्कुल अलग अलग है। शरीर तो मिल गया, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हम में से किसी को मनुष्य शरीर पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी है। किसी ने मेहनत की है? लेकिन मानवीय गुण लाने के लिए, मनुष्य बनने के लिए मेहनत करना होगा, और बनने के लिए नहीं, होने के लिए। मनुष्य तो हम बन गए हैं, मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य बन गए, मनुष्य शरीर मिल गया, अब मनुष्य होना होगा, और मनुष्य होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मानवीय गुणों का आचरण करना होगा। अब मानवीय गुणों का आचरण नहीं है तो शरीर पाने से क्या होगा? यदि मानवीय गुण नहीं हैं तो हम स्वयं दुखी रहेंगे और औरों को भी दुखी करने का काम करते रहेंगे। इंसान वह है, मनुष्य वह है जो सही अर्थों में सच्चे ढंग से सुखी और शांत रहता है और दूसरों को भी सुखी शांत होने का रास्ता बताता है और सुखी शांत होने के लिए यथासंभव परिश्रम करता है। तो एक कला के बिछड़े विकल होते समा, एक कला से बिछड़ गया आदमी, इसलिए हर जगह विकल हो रहा है। वो कौन कला है? एक कला विवेक। आदमी कहीं भी दुखी है तो विवेक के अभाव में, विवेक अंतर्दृष्टि अंतर्चक्षु, किसी चीज की गहराई में जा करके उसकी वास्तविकता का पता लगा लेना, यह विवेक का काम है। बुद्धि से हम बहुत कुछ जान लेते हैं, बुद्धि बाहर बाहर का परिचय देती है, और विवेक उस वस्तु की जो हकीकत है, उसकी वास्तविकता, उसका परिचय देता है। तीन साधन हमारे पास हैं, आँख है, बुद्धि है और विवेक है। विवेक को हम प्रज्ञा भी कह सकते हैं, विवेक परक दृष्टि, आँख। आँख हमें दिखलाती है कि कौन चीज़ कैसी है, कहाँ है। आँखों से देखकर हमको ज्ञान होता है, आँखें न होती तो हमें वस्तुओं का ज्ञान न होता। लेकिन आँख से देखने से सच्चा बोध नहीं होगा,
आँखें बताती तो है किस चीज़ जैसे है वैसे दिखाई पड़ रही है, दो दिन की बासी सब्जी है आँख दिखलाती है कि सब्जी वैसी के वैसी है, खा लेंगे तो क्या होगा? बुद्धि बताएगी नहीं एक गड़बड़ है। गुलाब जामुन रखा है कई दिन बन हो गए, आँख दिखला रही है गुलाब जामुन गोल गोल है वैसे के वैसे, और हम देख लेंगे ये तो गुलाब जामुन है मीठा होगा खा लिए तब रोग, ये बुद्धि बताएगी नहीं ये सड़ा हुआ गुलाब जामुन है ये नहीं खाना है। लेकिन कई बार बुद्धि भी गलत निर्णय दे देती है, चोरी कैसा करना चाहिए कैसे करना चाहिए ये बात कौन बताती है? बुद्धि तो बताती है ना, कैसे लोगों को धोखा देना चाहिए निर्णय कौन करती है? बुद्धि ही तो करती है। तो आँखें भी धोखा देती है कई बार, बुद्धि भी धोखा देती है, लेकिन विवेक कभी धोखा नहीं देगा। विवेक का सहारा ले लें तो धोखा खाने का अवसर आएगा, धोखा देना भी बंद होगा और धोखा खाना भी बंद होगा। ये विवेक ही वह कला है जो हम भूल गए हैं। और सचमुच में कह सकते हैं जिसके पास विवेक दृष्टि है, परख दृष्टि है, अंतर्दृष्टि अंतरचक्ष, वही सही अर्थों में मनुष्य हैं। बस अब विवेक नहीं है तो मनुष्यता कहाँ है फिर? विवेक मैंने कहा कि विवेक किसी वस्तु की हकीकत उसके वास्तविकता का परिचय देता है, परख कराता है। हमारे जीवन में परख की बहुत आवश्यकता है। हमारे सिद्धांत को जिस सिद्धांत में हम हैं कबीर पंथ की जिस शाखा में वो पारख सिद्धांत ही कहा जाता है। पारख का मतलब ही है किसी बात को परख करके विवेक करके छानबीन करके मानना, आँख मूंद करके न मानना, आँख मूंद करके न छोड़ना। ग्रहण करो तो विवेक करके, छोड़ो तो विवेक करके, जल्दीबाजी में नहीं। संबंध बनाना है तो परख कर लो उचित है या नहीं है, संबंध तोड़ना है परख कर लो संबंध तोड़ना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। परख दुनिया में अनेक संत हुए हैं, भारतीय परंपरा में अनेक संत हुए हैं, लेकिन उन संतों में कबीर संत शिरोमणि क्यों कहे गए? खाली त्याग और वैराग के कारण नहीं, एक से एक त्यागी हुए हैं, एक से एक वैराग्यवान हुए हैं, एक से एक ज्ञानी हुए हैं, लेकिन क्यों? परख के कारण। कबीर साहब ने जो कहा परख करके कहा और परख पर जोर दिया। साधु साधु सभी बड़े अपने अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। जितने साधु हैं अपनी अपनी जगह पर सब बड़े हैं, सब बड़े हैं, हमें किसी को छोटा कहना और मानना नहीं है। लेकिन उनमें तो शब्दों का विवेकी और पारखी होगा वो सिर मुकुट है। हम विवेक का प्रयोग कहाँ करते हैं? आदमी तो मानो हर समय मूर्छा और बेहोशी में जी रहा है, खा रहा है बेहोशी में, चल रहा है बेहोशी में, सोच रहा है बेहोशी में, काम कर रहा है बेहोशी में, हर जगह बेहोशी बेहोशी मूर्छा। यदि हम मूर्छा में ना होते तो हमारे जीवन में कोई दुख ना होता, कोई गलत काम नहीं होता। किसी भी प्रकार का दुख है, किसी भी बात को लेकर के थोड़ी चिंता है, किसी भी बात को लेकर के मन में तनाव है,
तो समझना चाहिए हम मूर्छा में हैं। और मूर्छा में पता थोड़े चलता है कि क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जो होश में होता है उसी को पता चलता है कि हमें क्या करता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या बोलता हूँ। बेहोश को क्या पता होगा। वो कहानी कही जाती है, एक जगह सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था। गांव का एक सेठ सत्संग सुनने के लिए आता था, सामने बैठता था, सेठ थे तो सामने बैठाया जाता था, और जैसे सत्संग शुरू होता था, प्रवचन शुरू होता था, वैसे वो सुनने लगता था। प्रवक्ता ने देखा ये रोज सोते हैं, सोचा इसे टोकना चाहिए। सत्संग शुरू हुआ, प्रवचन, सेठ जी आए थे, बैठे थे सामने, 5 मिनट बाद सोने लग गए, नींद आ गई। तो प्रवक्ता ने कहा, सेठ जी सोते हो? कहे नहीं नहीं, कौन कहता है। सत्संग में सुनने वाले किसी को टोक कर देखो, कोई स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, मैं तो आंख बंद करके सो, मैं तो आंख मूंद करके सो रहा सुन रहा था। मैं कहता हूँ कि लोग प्रायः कहते हैं मेरी बातों को कान खोल करके सुनो, मैं कहता हूँ आँख खोल कर सुनो। अरे आँख खुलेगी रहेगी ना तो कान खुला रहेगा, समझना। और आँख बंद हो जाएगा कान अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए किसी की बात को सुनना है तो आँख खोल कर सुना करना है, क्योंकि आज जब तक आँख खुली रहेगी तब तक कान खुले रहेंगे, और आँख बंद भी कान अपने आप बंद हो जाएंगे। ये हकीकत है, ये सबका अनुभव होगा। तो महात्मा ने कहा, प्रवक्ता ने, सेठ जी सोते हो? कहे नहीं नहीं, कौन कहता है। सेठ जी अपना प्रवचन कहे और महात्मा अपना प्रवचन चालू रखे। 5 मिनट बाद फिर सोने लग गए। तो महात्मा ने, प्रवक्ता ने फिर टोका, सेठ जी सोते हो? कि नहीं नहीं, कौन कह रहा है। महात्मा ने कहा, तो गड़बड़ है, थोड़ा सा पैंट बदलना पड़ेगा। प्रवचन चालू था, सेठ जी फिर सोने लग गए। तो महात्मा ने कहा, सेठ जी जाग रहे हो? नहीं नहीं, कौन कहता है। वो तो आता थी ना बेहोशी। तो फिर, लेकिन कहा फिर सोने लग गए। तो 5 मिनट बाद संत ने देखा कि फिर सो रहा है। तो फिर पूछा, सेठ जी जी रहे हो? नहीं नहीं, कौन कह रहा है। ये है मूर्छा। तो हम हर समय मूर्छा में रहते हैं, पता नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और मूर्छा हमें न अपने आप समझने देती है, न जीवन समझने देती है। इसलिए विवेक, हर जगह विवेक, हर जगह विवेक, विवेक की प्रधानता है। और सद्गुरु कबीर इसी विवेक के कारण ही संत शिरोमणि कहलाए। कोई संत है पूजनीय क्यों? त्याग बैराकांत पूजनीय है ही। गुरु क्यों? त्याग बैराकांत पूजनीय है ही। लेकिन और ये कहा गया है, परख साधु गुरु परख कबीर, पारख पद पहचान, पारख ते के प्रताप से सब भ्रम जाला मान। साधु पूजनीय क्यों? परख के कारण। जिसमें परख ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, वो साधु कौन? साधु में परख होनी चाहिए। यदि परख हो, साधु के पास परख की शक्ति हो, कहीं लड़ेगा नहीं, कलह नहीं करेगा, साधुता विरोधी काम नहीं करेगा। यदि साधु में परख की शक्ति है तो फिर मोह माया में नहीं पड़ेगा। फिर साधु में परख की शक्ति है तो बार बार लौट करके घर में नहीं जाएगा। परख नहीं है तब लोभ में पड़ेगा, मोह में पड़ेगा, बैर विरोध में पड़ेगा, द्वेष में पड़ेगा, ईर्ष्या में पड़ेगा, और घूम घूम करके फिर अपने घर में आता रहेगा। तो साधु पूजनीय कैसे होगा फिर? परख करें। अब साधु नहीं, मनुष्य को पारखी होना है। परख करें, इतने दिन बीत गए सत्संग करते,
ग्रंथ पढ़ते, गुरु से की भक्ति करते, सेवा करते, आखिर दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है, जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है परख के अभाव में। परख मतलब जागरूकता, परख का अर्थ है सावधानी, परख का अर्थ है होश, होश में रहना। होश में जो रहेगा जीते जी मुक्त, होश में रहना जागना है, बेहोश हो जाना सो जाना है। जितनी गलत क्रियाएं होती है क्यों हो रही है, ये अनाचार अदुराचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, क्यों? बेहोशी में, मूर्छा में। जो जाग जाएगा वो कभी कोई गलत काम करेगा? जो जाग जाएगा क्या उसके तन मन वचन से कोई ऐसी क्रिया होगी जो दूसरों के लिए दुखदाई होगी या अपने लिए दुखदाई होगी? आखिर जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब ही सावधानी, निरंतर सावधानी। सब निरंतर सावधानी, इसलिए साहब ने कहा फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने डेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेर। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब समय फहम। फहम के दो अर्थ हैं, फहम का खास अर्थ है समझदारी, ये अरबी भाषा का शब्द है फहम, फहम इसका अर्थ है समझदारी। और समझदार कौन? सावधान जो होगा वो, सावधान होगा तो समझदार होगा, समझदार होगा तो सावधान होगा। वह समझदारी किस काम की जो हमें सावधान नहीं करती है, जिसके आने पर हम सावधान नहीं होते हैं, सही समझ हो जाए तो दुख विदा। समझ गलत है तो खाना गलत है, बोलना गलत है। समझ सावधानी विवेक का अर्थ क्या है, मनुष्यता की मांग क्या है, जियो और जीने दो, स्वयं भी सुख से जियो और दूसरों को भी जीने दो, ये मनुष्यता की मांग। जैसे हम दुख नहीं चाहते, हम पीड़ा नहीं चाहते, हम प्रसन्नता नहीं चाहते, गुलामी नहीं चाहते, ऐसा कोई नहीं चाहता है। इसलिए हम भी सुख से जिए और दूसरों को भी सुख से जीने दें और उनके सुख से जीने में सहयोगी बने, ये मनुष्यता है, ये विवेक है, समझ, यही समझ है। लेकिन आदमी जी रहा है बेहोशी में। शिक्षा तो बढ़ी निश्चित रूप से, आज के युग में शिक्षा का बहुत विकास हुआ है, कहते हैं कि सभ्यता का विकास हुआ है। सभ्यता भले बढ़ी हो, ऊपर ऊपर की सभ्यता, शिक्षा भले बढ़ गई हो, लेकिन बुद्धि भले बढ़ गई हो, विवेक बढ़ा, अंतर्दृष्टि बढ़ी, मनुष्यता बढ़ी, जागरण बढ़ा, शिक्षित होता जा रहा है आदमी, और उतना ही मूर्छित होता जा रहा है, बेहोश होता चला जा रहा है। कहते हैं कि अज्ञान के कारण, शिक्षा के अभाव में अनेक समस्याएं होती है। भारत में गरीबी क्यों है, अनेक प्रकार की समस्याएं क्यों हैं, तो लोग कहते हैं कि भारत में भी अशिक्षा है, शिक्षा का पूरा विकास नहीं हुआ है, पूरा प्रचार नहीं, बहुत लोग अभी अशिक्षित हैं, इसलिए अनेक समस्याएं हैं। हो सकता है शिक्षा के अभाव में भी समस्याएं होती होंगी और होती हैं, लेकिन आदमी शिक्षित हो जाने मात्र से जीवन और संसार की सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। थोड़ा सोचें आप,
जितना गबन हो रहा है, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जितना अनाचार हो रहा है, जितना दुराचार हो रहा है, जितनी घुसबाजी चल रही है, मिलावटबाजी चल रही है, ये सब करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं या बिना पढ़े लिखे हैं? जितने ऑफिस हैं सब में घुसखोरी चल रही है, कौन कर रहा है, पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग? जितने बड़े बड़े दुराचार हो रहे हैं, बड़े बड़े कांड, बड़े बड़े हिंसा, हत्या, अपहरण, बलात्कार, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं या अनपढ़ लोग कर रहे हैं? बड़ी बड़ी कालाबाजारी, बड़ी बड़ी मिलावटें अनपढ़ लोग कर रहे हैं या पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं? ये सब करने वाले अधिकतम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। तब कैसे माना जाए कि मात्र शिक्षा के विकास से जीवन जगत की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? शिक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ विवेक बुद्धि का प्रकाशन होना चाहिए, विवेक बुद्धि जागृत होना चाहिए। अब विवेक बुद्धि न होगी ना तो आदमी हर चीज का दुरुपयोग करेगा। हमारे पूर्वज कहते क्या थे, मनुष्यता की मांग क्या है, जियो और जीने दो। आज की शिक्षा और सभ्यता की मांग क्या है, पियो और पीने दो। ये सभ्यता की मांग है, पियो और पीने दो। पहले लोग आते थे, लोग कहते भाई घर में मेहमान आए, अरे भाई कुछ, लोग कहते भैया जीवन में कुछ रखा नहीं है, खाओ और खिलाओ, ये जीवन का सार है। आज लोग कहते हैं भैया जीवन को रखा नहीं, पियो और पिलाओ, यही जीवन का सार है। अच्छी बात है, हम सब भी हैं ना। तो सभ्यता अलग चीज है, शिक्षा अलग चीज है। शिक्षा मात्र से जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और ये भी समझ लें, यदि विवेक नहीं है, आत्मसंयम नहीं है, तो जहां जितनी अधिक शिक्षा वहां उतना ज्यादा अपराध। भारत में अभी भी शिक्षा का बहुत अभाव है, अनेक लोग अशिक्षित हैं, निश्चित है भारत में भी अपराध हैं, लेकिन जहां लोग शत प्रतिशत शिक्षित हो गए हैं क्या वहां अपराध घट गया है? उल्टा है, भारत में पूरी शिक्षा नहीं है, अपराध कम, और जहाँ पूरी शिक्षा है वहाँ अपराध ज़्यादा। भारत में लगभग इस समय 125 करोड़ लोग हैं, और 125 करोड़ की आबादी में पूरे भारत की जेलों में 3 लाख कैदी हैं। 125 करोड़ की आबादी वाला भारत, यहाँ की जेलों में 3 लाख कैदी हैं। अमेरिका की आबादी भारत से लगभग 1/4 से ज़्यादा, 1/4 और 1/3 के बीच में है। 35 करोड़ की आबादी अमेरिका में, और अमेरिका के जेलों में 12 लाख कैदी हैं, शिक्षित हैं ज़्यादा वो। आबादी 1/3 और कैदी 4 गुना ज़्यादा। फ्रांस अमेरिका से छोटा देश, वहाँ और शिक्षा, फ्रांस की जेलों में 25 लाख कैदी हैं। कैसे माना जाए कि मात्र शिक्षा के बढ़ जाने से सभ्यता बढ़ जाएगी, मनुष्यता आ जाएगी, समस्याओं का समाधान हो जाएगा? शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा की आवश्यकता के साथ साथ नैतिकता की आवश्यकता है, मर्यादा की आवश्यकता है, आचरण की आवश्यकता है, और इनके लिए आवश्यकता है विवेक की। एक कला के बिछड़े विवेक विकल हो तो सब ठाँ, वो ये जो एक कला है विवेक, आदमी उससे बिछड़ गया, विवेक हमारी मूर्छा को तोड़ता है, विवेक हमारी बेहोशी को तोड़ता है। और जिसकी मूर्छा टूट गई, जिसकी बेहोशी दूर हो गई, जो जाग गया, जीवन को सही अर्थों में वो समझ सकता है,
और जीवन को कई अर्थों में वही जी सकता है। विवेक नहीं है, हम जागे नहीं तो ना अपने समझेंगे ना दूसरों को समझेंगे। इसलिए निरंतर जागरूकता, निरंतर जागरूकता, जहाँ हैं कर्मशील रहना होगा और जागरूक रहना होगा। बाहर का भी ज्ञान चाहिए और भीतर का भी ज्ञान चाहिए। विवेक, बाहरी ज्ञान और भीतरी ज्ञान, दोनों में हमारा मार्गदर्शन करता है। क्योंकि हमारा जीवन भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का संगम है। जीवन के समुचित रूप से जीने के लिए भौतिक क्षेत्र में भी विकास की आवश्यकता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विकास की आवश्यकता है। भौतिकता का भी ज्ञान चाहिए और आध्यात्मिकता का भी ज्ञान चाहिए। दोनों क्षेत्र के लिए वेद के ऋषि ने एक बड़ा सुंदर मंत्र कहा है, ऋषि बोध प्रतिबोधाव सपनो यस्त जागृवी तौते प्राणस्य गुप्तारो दिवा न्यक्तम त जागृताम। वैदिक ऋषि कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारे शरीर में दो ऋषि निवास करते हैं। हर आदमी के शरीर में दो ऋषि हैं। कौन उनको कितना समझ पाता है वह बात अलग है, लेकिन हर आदमी के शरीर में दो ऋषि हैं। उनके नाम क्या हैं? एक का नाम है बोध और दूसरे का नाम है प्रतिबोध। बोध मतलब जानना। वैसे बोध का एक अर्थ होता है तृप्त हो जाना, शंकाओं का समाधान हो जाना। बोध का अर्थ ज्ञान भी होता है, आत्मबोध कहते हैं ना, आत्मबोध हो गया, मतलब मन की सारी शंकाओं का समाधान हो करके आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि मिल गई। बोध का एक अर्थ यह होता है। लेकिन यहाँ बोध का अर्थ है बाहरी ज्ञान, बाहर की वस्तुओं का ज्ञान, जीवन निर्वाह के जो धंधे हैं उनका ज्ञान, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए इसका ज्ञान, कैसे हमारा आचरण होना चाहिए इसका ज्ञान। इस जब सबका ज्ञान होगा तब जीवन को सही ढंग से हम जी सकते हैं। भौतिक ज्ञान हमें जीवन निर्वाह में सुविधा देता है, व्यवहारिक ज्ञान हमें जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उनके साथ कैसे प्रेम से, समता से, एकता से, मधुरता से रहना है इसकी सीख देता है। और चारित्रिक ज्ञान हमें सीख देता है कि जीवन को कैसे उज्ज्वल बनाकर, बेदाग बनाकर के रहा जाए, कैसे जीवन को ऊपर उठाया जाए इसकी सीख देता है। और हर आदमी के पास ये ज्ञान है, लेकिन कौन अपने इन ज्ञानों का कितना प्रयोग करता है वह अलग बात है। जो जितना ज़्यादा प्रयोग करेगा वो उतना अधिक सुखी रहेगा और उसके द्वारा समाज की उतनी अधिक सेवा होगी। तो पहला है बोध, जानना, बाहर को जानना। प्रतिबोध, लौट कर ही जानना, अपने को जानना, अपना ज्ञान। जैसे ये कैमरा है, ये माइक है, ये घड़ी है, ये पंखे हैं, ये बल्ब है, ये दीवार है, इनको जानना बोध है। लेकिन इनका ज्ञान करने वाला कौन? कैमरे का ज्ञान स्वयं कैमरा कर रहा है, घड़ी का ज्ञान स्वयं घड़ी कर रही है, पंखे का ज्ञान स्वयं पंखा कर रहा है, या इनको जानने वाला इनसे अलग है? इसको समझना। कैमरे को कैमरा नहीं जानता, घड़ी को घड़ी नहीं जानती, पंखे को पंखा नहीं जानता, और न इनका स्वयं उपयोग ये सब करते हैं। इनको जानने वाला,
इनसे काम लेने वाला, कैसे काम लेना है इसको जानने वाला इनसे अलग है। अब वो कौन है? मैं। यह प्रतिबोध, प्रति कहते हैं लौटने को। सामने दीवाल है, दिखाई पड़ रही है, दीवाल को जान लेना बोध है, लेकिन दीवाल को कौन जान रहा है, मैं या दीवाल? दीवाल मुझको जान रही है या मैं दीवाल को जान रहा हूं? थोड़ा सोचें, सोचेंगे पता चलेगा कि दीवाल तो जड़ है, न वह अपने को जानती है न मुझे जानती है, किंतु मैं चेतन हूं, इसलिए मैं दीवाल को भी जानता हूं और अपने को भी जानता हूं। लेकिन अपने को जान करके जब अपने में स्थिर हो जाए, अपने में ठहर जाए, तब ये जानना सही जानना होगा। जान भी लिए और अपने में ठहराव नहीं है, मन का भटकाव है, तो अपने को सही जानना नहीं हुआ, ये केवल शाब्दिक ज्ञान हुआ। तो बोध और प्रतिबोध हर आदमी के शरीर भीतर ये दो ऋषि निवास करते हैं, दोनों को जगाना हमारा काम है। है तो सबके भीतर एक बराबर शक्ति है, लेकिन अपनी शक्ति को कौन कितना समझता है और उपयोग करता है वो अलग बात। हाँ, प्रेरक चाहिए, गुरु चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। जैसे कहा जाता है, जब सीता की खोज करने के लिए वानर दल घूमते घूमते रामेश्वर पहुँचे समुद्र किनारे, ये तो पता चल गया कि रावण सीता को हर करके लंका ले गया है। बानर खोदते खोदते वहाँ पहुँच गए रामेश्वर समुद्र किनारे। अब समुद्र को पार करके कौन लंका जाएगा और कौन सीता का पता लगा के लौटेगा, ये प्रश्न सबके सामने। किसी ने कहा मैं 5 योजन समुद्र में जा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। किसी ने कहा 10 योजन, किसी ने कहा 15 योजन, किसी ने कहा 50 योजन, किसी ने कहा ये 100 योजन समुद्र को मैं जा तो सकता हूँ, पार तो कर सकता हूँ, लेकिन लौट करके नहीं आ सकता। सब अपना अपना बल बता रहे थे। हनुमान चुपचाप बैठे थे। जब सभी ने अपना अपना बल बताया, तब जामवंत ने कहा, हनुमान तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारा काम तो, तुम्हारा जन्म तो राम के काम के लिए हुआ है, उठो तुम जागो। जामवंत की बात सुनकर के हनुमान जाग गए। शक्ति उसके भीतर थी, जामवंत ने हनुमान के भीतर शक्ति डाली नहीं है, प्रेरणा दिया, बताया, हनुमान को समझ में आई, जाग गए, खड़े हो गए और कूदे और जा करके सीता का पता लगा करके वापस लौट आए। बस सद्गुरु का काम यही है। हर आदमी मानो हनुमान बन करके चुपचाप बैठा हुआ है, अपनी शक्ति का उसे पता नहीं है। कोई जामवंत रूपी गुरु जब बता देते हैं और उनकी बात को हम सही ढंग से समझकर ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारी शक्ति जाग जाती है। तो ये दो ऋषि, बोध और प्रतिबोध, हर आदमी के अंदर हमें जगाना है और प्रयोग करना है। ये दोनों काम क्या करते हैं? तौते प्राणस गुप्तारो दिवा नक्तम च जागृतान। ये दोनों हमारे प्राणों के गोप्ता हैं। गोप्ता का मतलब होता है रक्षा करने वाला। गुप्त, गुप्त का एक अर्थ होता है ढका हुआ, रहस्य में पड़ा हुआ, पर्दे में पड़ा हुआ, और गुप्त का दूसरा अर्थ होता है सुरक्षित। अब यही खास अर्थ है, गुप्त का मूल अर्थ है होता है सुरक्षित, और गुप्ता का अर्थ होता है सुरक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला। तौते प्राणस गुप्तारो, ये तुम्हारे प्राणों के गुप्ता हैं, रक्षा करने वाले हैं। कैसे रक्षा करते हैं? दिवा नक्तम त जागृताम। दिवा और नक्त,
रात और दिन जाग करके कहते हैं उन, ये दोनों में क्या करते हैं, दिवानतन जागृतन यश स्वप्नाम बोधस, इन दोनों ऋषि में एक सोता नहीं है और दूसरा बराबर जागता रहता है। ऋषि बोध प्रतिबोधाव स्वप्नो यश्च जागृवी, ये जो बोध और प्रतिबोध ऋषि हैं इनमें से एक कभी सोता नहीं है और दूसरा सदैव जागता रहता है। तो सोता नहीं है जागता रहता है, बात तो एक ही हो गई है, बात एक होते भी बहुत अंतर है। लक्षणा अर्थ है, न सोने का अर्थ क्या है, कभी प्रमाद में आलस्य में गाफली में न पड़ना, सदैव खौफ हवास में जीना। हम प्रमाद में पड़ जाते हैं और प्रमाद का अर्थ है मूर्छा, प्रमाद का अर्थ है बेहोशी, प्रमाद का अर्थ है सो जाना। प्रमाद का अर्थ क्या है, जिसे करना चाहिए उसे न करना और जिसे नहीं करना चाहिए वही करना, और यही सोना है, यही मूर्छा है। त्याग, तप, संयम, सेवा, साधना, आत्मनिग्रह, ये हमें करना चाहिए। प्रेम, दया, क्षमा, समता, सहनशीलता, ये हमें करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं करते। बैर, विरोध, लड़ाई, झगड़ा, कलह, कल्पना, विषयों की और इंद्रियों की लंपड़ता, उनके लिए छल छद्म, धोखाधड़ी, ये नहीं करना चाहिए, तो ये हम कर रहे हैं। अब सोचें कि हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं, होश में हैं या बेहोश में हैं। तो न सोने का अर्थ है मूर्छित ना होना, सब समय जागते रहना, जागते रहना, जागते रहना, फहम सावधान रहना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये हम पढ़ते हैं सुनते हैं। क्या जीवन में ऐसा होता है, नहीं होता है, जब जब हम असावधान हुए हमारे जीवन में दुर्घटना घटी, खाने बैठे सावधानी नहीं रखे ज़्यादा खा लिए, बात कर रहे हैं सावधानी नहीं रखे जो नहीं बोलना चाहिए बोल लिए, रास्ता में जा रहे हैं चलते हुए सावधानी हटी नहीं सोचना चाहिए सोच लिए, कोई चीज़ देखे लोभ आ गया सावधानी हटी लोभ में पड़कर गलत काम कर लिए। जागते होते तो ये सब क्यों करते। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोबत गैल बिगोय हो रमैया राम। जागने का अर्थ है भाग जाना, लेकिन भागने का अर्थ क्या है, कहाँ से भागना, घर छोड़ करके भाग जाना, घर में हुआ खटपट चल बाबा के मठ पर, मठ पर बनाया काम तो बंदे रमता राम, ये भागना काम नहीं हुआ। कहेंगे लड़ाई होती है, लड़ाई होकर के गुस्सा हो गया सास बहू में या बेटा बहू में या किसी में, अब बोलना बंद, घर से बाहर निकल गए, ये भागना भागना थोड़े है। कहते हैं कि एक बार एक घर में सास और बहू में झगड़ा हो गया, अच्छा झगड़ा होता रहता था, बहू मनाती थी, झगड़ा भी करती थी, मनाती भी थी और सास को खिलाती भी थी। एक दिन ज़्यादा झगड़ा हो गया, अब सास कही नहीं अभी घर में नहीं रहूँगा, तुम्हारा बनाया नहीं खाऊँगी, बाहर चबूतरे पर बैठ गई। समय हुआ, बहू ने भोजन बनाया, आई माँ चलो खा लो, झगड़ा की थी लेकिन अब सोचे कि क्या है बूढ़ी माँ है साथ खिलाना पड़ेगा। आती है कि माँ चलो भोजन तैयार, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, पहुँच गए चलो भाई नहीं खाएंगे। अब शाम हो गई, अब भूख लगने लगी, अब क्या करें, बहू से भोजन मांगती है तो फिर बदनामी होगी, और बहू हंसी करी अभी तुम्हें बुलाई तब तो नहीं आई थी, अब कहते हैं अब घर, अब कहते मैं एक घर में नहीं आऊँगी, तुम्हारे घर में कहीं भी रह लूँगी, बाहर बैठी चबूतरे पर,
अब कहाँ जाए आखिर, अपने घर में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? अब कहे थे जोत में, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, कहीं भी रह लूँगी, तुम्हारा बनाया नहीं खाऊँगी, किसी भी कहीं खा लूँगी। अब शाम हो गई, रात आने लगी, भूख भी परेशान, अब करे क्या? अब घर में जाएगी तो बदनामी, कहे थे कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगी, मजाक उड़ाएंगे लोग, तो क्या करेंगे? शाम हो गया था, जानवर आ रहे थे, घर में प्रवेश कर रहे थे, तो जो सास थी बाहर बैठी थी, एक बछड़ा आया तो बछड़ा का पूंछ पकड़ ली। अब बछड़े पीछे से चल के, अरे बछड़ा मैं तो घर में आना नहीं चाहती, तुम मुझे क्यों ला रहे हो घर में, मैं तो आना नहीं चाहती हूँ, काम इससे नहीं बनेगा भाई। तो भागने का मतलब क्या है? भागने का मतलब है अपनी बुराइयों से भागना, अपने दोषों से भागना, अपने कुकर्मों से भागना, अपने विकारों से भागना और अपनी लंबड़ताओं से भागना, ये भागना है। साहब कहते हैं जो जागा उसको भागा, जो जाग गया अपनी बुराइयों से, अपने दोषों से, दुर्गुणों से भाग गया, अब भाग गया तो कल्याण कर लिया। तो न सोना मतलब बेहोशी में न जीना, होश में जीना, सब समय जागरूक, और एक जागता रहता है। जागने का मतलब क्या है? कर्मठ, कर्मशील, सेवा परायण, हर समय होश में रहें, हर समय विवेक में जिए और विवेक पूर्वक, होश पूर्वक काम करें, लेकिन गाफिल न रहें। जागना मतलब सदैव सेवा परायण, सेवा परायण, सेवा सेवा, अपने कर्तव्यों का भरपूर पालन। दुनिया में कुछ भी मंगलमयता है तो उसके मूल में है कर्म, सेवा। जो आदमी कर्म और सेवा से, कर्तव्य पालन से डरता है, वो आदमी त्यागी नहीं हो सकता, वो आदमी साधु नहीं हो सकता, वो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता, और वह आदमी कल्याण का काम नहीं कर सकता है। ये कम्मे सुरा ते धम्मे सुरा कहा गया है, जो सेवा में शुरू होगा वो धर्म में शुरू होगा, वही सच्चा त्यागी हो सकता है। समय आया जम करके सेवा किए, समय आया जम करके साधना किए। जो सेवा से घबराता है वो साधना नहीं कर सकता, साधना का दिखावा भले करे। जो सेवा से घबराता है वो कितना ज्ञान की बात हाँके, उसका मन, उसका चित्त कभी शुद्ध हो नहीं सकता है, वो प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी नहीं सकता है। इसलिए जहाँ भी रहें, आप घर में रहें, वन में रहें, कहीं भी रहें, अपनी श्रेणी, शक्ति, समझ, योग्यता के अनुसार सेवा परायण, कर्मठ बने रहें। कर्म से ही मंगलमयता है, कर्म से ही विकास होगा। तो जागने का मतलब कर्मशील, कर्म से ही शोभा है। जो आदमी सेवा परायण होता है, साधना परायण होता है, कर्मशील रहता है, उसी जीवन में चमक आती है, संसार उसी की प्रशंसा करते हैं। इतरे ब्राह्मण में एक बड़ा सुंदर मंत्र कहा गया है और कर्म करने के लिए प्रेरणा दी गई है। चरण वय मधुविंदते, चरण स्वादु मधुम्बरम, सूर्य तपस श्रेमानम यवना चंद्रयति शरणश्चरे वैति। चरण वय मधुविंदते, जो चलता रहता है, गतिशील रहता है, सेवा परायण रहता है, कर्मशील रहता है, वह मधु प्राप्त करता है। चरण वय साधु मधुम्बरम, और जो सेवा परायण है, कर्तव्य परायण है, उसे उदुम्बुर का मीठा फल प्राप्त होता है। सूर्य तपस श्रेयमानम, सूर्य के श्रेय को देखो, सूर्य की महिमा को देखो। यो न तंद्रयते, सूर्य तंद्रा नहीं करता, आलस्य नहीं करता, अपने कर्तव्य को छोड़ता नहीं, सूर्य सदैव गतिशील रहता है। इसलिए पूरी दुनिया में सूर्य की बड़ी महिमा है, बड़ी प्रसन्नता। इसलिए चरणश्चर्य व्यक्ति, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। जरा सोचो, सूर्य ठंडा हो जाए
तो क्या हम लोग इस धरती में जीवित रह सकेंगे? हमारी धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य, और वहाँ तो हमें जीवन दे रहा है। सूर्य ठंडा होने का मतलब हम सबका ठंडा हो जाना। सूर्य कभी रुकता है? और बात अलग है, यहाँ पर वो लक्षण में कहा गया सूर्य चलता नहीं है, वो तो रुका हुआ, लेकिन जिस लक्षण में कहा है हमें वहाँ समझना है। इसी कहते हैं देखो सूर्य सदैव गतिशील है, सदैव गतिशील है, इसलिए सूर्य की बड़ी महिमा है। आप ऋग्वेद पढ़ करके देखें, एक चौथाई से ज़्यादा मंत्र ऋग्वेद के सूर्य की महिमा में है। वो इंद्र, इंद्र का मतलब सूर्य, एकम सद्वित्रा बहुधा वदन्ति, ये ऋग्वेद का मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत्य को लोग अनेक प्रकार से कहते हैं, तो कौन सत्य है? जहाँ का ये मंत्र है, जिस ऋग्वेद के जिस अंत का ये मंत्र है, वहाँ पर वो सत्य है सूर्य। कि एक सूर्य को इंद्र अग्नि मातृस्वा अनेक नामों से लोग कहते हैं, तो ऋग्वेद में सूर्य की बड़ी महिमा है। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है आप जानते हो, तत् सवितुर भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र सूर्य की महिमा में ही है। इसका अनेक अर्थ कर लिया गया, लेकिन मूल ऋग्वेद में ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का ये 8वां मंत्र है, तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस सविता देवता का ध्यान धारण करते हैं जो वरण करने योग्य है और प्रकाश स्वरूप है, ये इसका सीधा सरल अर्थ है। और ये सूर्य की महिमा में है। अर्थ यह है कि जो आदमी गतिशील रहता है, सेवा परायण, उसी के जीवन में चमक आती है, वह अपना विकास करता है और उसके द्वारा समाज को बहुत कुछ मिलता है। इसलिए जागना, जागने का मतलब सब समय कर्म प्रधान, साधना परम, सेवा और साधना में जो लीन है वो मानो जाग रहा है, जानते हैं ये काम करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं, कहाँ जाग रहे हैं, जानते हैं अभी ध्यान का समय है, बितर पर लेटे हुए हैं, कहाँ जाग रहे हैं। किसान जानता है कि ये समय खेत में जाकर के काम करने का है, लेकिन खेत नहीं जाता है, घर में बैठ करके गप मार रहे हैं, कहाँ जाग रहा है। जागने का मतलब है जिस समय जो काम है उस काम को उस समय कर लेना, और ऐसे आदमी के जीवन में हर समय मंगलमयता रहती है। जो कर्म प्रधान आदमी है वो मानो सब समय सतयुग में निवास कर रहा है। कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ये चार युग हैं। लोग कहते हैं भैया ये चारों युग तो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। आदि अनादि काल से चला नहीं आ रहा है, ये चारों वेदों की कल्पना आज से लगभग 2,500 साल पहले हुई है। चारों वेदों में चारों युगों का नाम ही नहीं आए। ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ये चार वेद हैं। इन चारों वेदों में से किसी भी वेद में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों का नाम ही नहीं है। ऋग्वेद में कृत और कलि, ये दो शब्द आए हैं, कृत मतलब सतयुग, कलि मतलब कलयुग, लेकिन वहाँ भिन्न अर्थ है। कृत और कलि, इन दोनों शब्दों का प्रयोग जुआ में पासा फेंकने के लिए किया गया है। कलि का अर्थ होता है जुआ का पासा। वहाँ सतयुग और कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों का एक साथ नाम ये तेरे ब्राह्मण में आया है पहली बार। और इतरे ब्राह्मण आज से लगभग 2,500 साल पहले की रचना होगी, कुछ और पहले।
और वहाँ जो कहा गया है बहुत मार्मिक है और लक्षणार्थ में है और हमारे जीवन से संबंधित। ऋषि कहते हैं कलिशयान भवति संजिहान सुद्वापर उत्तिष्ठमत्रेता भवति कृतम संबद्धति शरण। कलिकाल सोया हुआ है, द्वापर जगा हुआ है, त्रेता खड़ा हुआ है, सज्जुग चल रहा है। इसका अर्थ है आदमी जब आलस्य में प्रमाद में मूढ़ता में पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है सिर पकड़ करके, सोया हुआ है बिस्तर पर, तब वह कलयुग में जी रहा है। जाग गया, आलस्य प्रमाद मूढ़ता का त्याग कर दिया तो वह द्वापर में पहुंच गया, और जाग करके आलस्य प्रमाद का त्याग करके खड़ा हो गया, तैयार हो गया, तब वो त्रेता में पहुंच गया, और जब सेवा साधना के काम में लग गया तब वो सतयुग में जी रहा है। ये हमारे जीवन की बात है। इस चारों युग रोज हमारे जीवन में आते हैं, जब हम आलस्य में पड़े हुए हैं, मूर्ता में पड़े हुए हैं, नींद में माते हुए हैं, तब ये कलयुग है। जाग गए, आलस्य मूर्ता का त्याग कर दिए तो हम त्रेता में पहुंच गए, त्रेता में जी रहे हैं। अब किसी ने कहा अरे कहाँ बैठे हुए हो यहाँ पर, चलो अमुक काम करना है, उठकर खड़े हो गए, तब हम पहुंच गए त्रेता में, और काम में लग गए, सेवा में लग गए, साधना में लग गए, तब हम सतयुग में पहुंच गए। ये रोज का होता है जीवन में। इसलिए मरने के बाद सतयुग की कल्पना ना करो, कितने साल बाद सतयुग आएगा, कुछ नहीं, हर समय सेवा और साधना परायण रहो तो जीवन में हर समय सतयुग है, प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता, दुख किस बात का। लेकिन हम इन बातों को भूल गए हैं। हम कल्पना करते हैं इतने साल बाद आएगा, धरती में जब पाप बढ़ेगा, भगवान अवतार लेगा और पाप का भार हरण करेगा, फिर सतयुग आएगा, हम सुखी हो जाएंगे। एक कला की बिछड़ी बिकल हो सांप, विवेक छोड़ दिए ना, किसी पर के भरोसे में बैठे हुए हो, इसलिए दुखी हो रहे हो। जब तक आप स्वयं अपना उद्धारक नहीं बनोगे, जब तक आप स्वयं अपने जीवन में सतयुग नहीं लाओगे, तब तक आपको उद्धार करने वाला कोई नहीं है और कोई आपको सतयुग में भेजने वाला नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखो, आप अपने उद्धार करने वाला और आप अपने को डुबाने वाला। भगवान अवतार लेकर के आएगा, राक्षसों को मार करके दुनिया का भार हरण करेगा, ये मात्र कहानी है। भगवान अवतार लेगा, आपके भीतर जब प्रज्ञा जगेगी, विवेक जगेगा, सद्बुद्धि आएगी, भगवान का अवतार हो गया। राक्षसों को मारेगा, काम क्रोध लोभ मोह को मार दिया, धर्म का राज्य हो गया, और कहाँ भटक रहे हो आप, किस भगवान के भरोसे। आपका विवेक भगवान है, जब विवेक भगवान जागेगा ना तो दुर्गुण दुराचारों पर राक्षसों को मार डालेगा, फिर क्या बचेगा, धर्म बचेगा, सुख बचेगा, शांति बचेगी। इसलिए स्वयं जागना होगा, कोई भगवान नहीं आएगा आपको जगाने के लिए और धर्म राज्य स्थापित करने के लिए। आप अपना भगवान स्वयं हैं, विवेक आपका भगवान है, अंतर्दृष्टि आपका भगवान है, प्रज्ञा आपका भगवान, अंतरचक्षु आपका भगवान। सद्गुरु कबीर कहते हैं एक कला के बिछुड़े विकल हो सब ठाँ, ये जो एक कला है विवेक रूपी भगवान से आप बिछुड़ गए हो, इसलिए व्यवहार में परमार्थ में घर में बाहर हर जगह आप विकल हो रहे हो। विवेक का जागरण करें, विवेक प्राकटीकरण करें, सारी समस्याओं का समाधान न बाहर भटकाओ न भीतर भटकाओ, बाहर अच्छा भीतर अच्छा, ये उद्धार का रास्ता, ये कल्याण का रास्ता, यही सुख का रास्ता, इसके अलावा और कोई रास्ता बचा हुआ है नहीं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम